अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज जो आईसीटी का टॉपिक है दूसरा वो है सर्वे ऑफ पीसी एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर, जिसको मोस्ट कॉमन हम पीसी बोलते हैं या डेस्कटॉप पीसीज वगैरह बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो आ रहा है पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। ये क्या कह रहा है कि ये इजी टू इंस्टॉल है, इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और 90% जो यूज़र्स हैं या जो 90% जिनके घरों में कंप्यूटर्स हैं उनके घरों में ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल है। बाकी जो 5% बचते हैं वो एप्पल एंड लिनक्स। ठीक है, उसके बाद डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म, इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लें। ये क्या है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही यूज़र एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसका जो इंटरफेस है वो ब्लैक एंड वाइट है, कि ब्लैक बैकग्राउंड होगा, वाइट आप उसको कमांड लाइन देंगे जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और ये जो है इसके 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पावरफुल भी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फास्ट भी है, सपोर्ट लिगेसी एप्लीकेशन सपोर्ट भी करता है लिगेसी एप्लीकेशंस को। उसके बाद ये जो फिगर हमारी स्क्रीन पे है ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस की, देखें। एस कम्पेयर टू GUI ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें जो भी कमांड्स होती हैं वो हमें याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद है विंडोज़ NT और उसके कुछ फीचर हैं जो विंडोज़ जो सबसे पहले हमारे पास आई थी उनके हम आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे, NT, X एंड सो मैनी। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं विंडोज़ NT के, डिज़ाइन फॉर अ पावरफुल सिस्टम, और 32 इसके 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह वेरी स्टेबल है, और यह सिंगल यूज़र है पर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यही बात कर रहे थे कि एक यूज़र और एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, पर विंडोज़ NT पे नहीं, विंडोज़ NT पे एक सिंगल यूज़र मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इसका जो सर्वर है वो मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सपोर्ट करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद विंडोज़ 9X आई, जो 95 और 98 एंड मिलेनियम एडिशन थी, ME मींस मिलेनियम एडिशन, ये 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो सपोर्ट कर रहा था 16-bit प्रोग्राम्स को भी। वेरी प्रिटी नॉट स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नॉट स्टेबल था, स्टिल फाउंड इन लार्ज कॉरपोरेशंस। और 95 इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्ट बटन, 95 में स्टार्ट बटन जो हमारे GUI में था वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो 98 में कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस हुआ कि एक्टिव डेस्कटॉप। उसके बाद फिर इम्प्रूव्ड चीज़ें होती गई, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास जो विंडोज़ आई वो आई 2000। ठीक है, जो लुक लाइक 9X और 90 स्टेबिलिटी दोनों ही फीचर्स उसमें थे, और ऑप्टिमाइज़ किए गए थे ऑफिस और डेवलपर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रही थी इजीली या वेरी वेल हम जिसको वो बोल सकते हैं विंडोज 2000 में, और उसमें एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी रन हो रहे थे पर उनकी जो क्वालिटी थी पुअर थी पर रन हो रहे थे। देन उसके बाद विंडोज 2000 के बाद हमारे पास आया विंडोज XP, जो एज़ कम्पेयर टू 2000 उसका थोड़ा लुक डिफरेंट था और थोड़ा उससे बेहतर था। ठीक है, उसने एक नया लुक दिया डेस्कटॉप का, और डिजिटल मल्टीमीडिया को सपोर्ट कर रहा था विंडोज़ XP। उसके बाद जो कम्युनिकेशन थी वो हमारी थोड़ी सी इन्हांस हुई विंडोज़ XP पे, और मोबाइल कंप्यूटिंग बिकम अ प्रायोरिटी। ठीक है, उसको मोबाइल कंप्यूटिंग को भी एक प्रायोरिटी मिली। देन उसके बाद यूनिक्स जिसका हम बात करें, लिनक्स यूनिक्स, तो यूनिक्स की सबसे पहले बात करें, ये रन कर रहा था ऑल कंप्यूटर टाइप्स पे, 32-bit हो या 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उन दोनों पे रन हो रहा था। ये स्टेबल और फास्ट भी था, और कमांड लाइन इंटरफेस था इसका, और कॉस्ट जो थी इसकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की थी यूनिक्स की, एक्सपेंसिव था।
उसके बाद लिनक्स, लिनक्स क्या था, ये फ्री था और इनएक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू यूनिक्स, और ये रन कर रहा था 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये भी स्टेबल और फास्ट था, पर इसका एक फीचर अच्छा ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है और इसमें जो है ओपन सोर्स मोस्ट फ्लेवर्स हैं, और एक्स विंडोज GUI इसमें भी यही के कमांड लाइन इंटरफेस था। देन उसके बाद लिनक्स का ये जो है डेस्कटॉप है, ये आप देख लें, ये लिनक्स का डेस्कटॉप है, इस फिगर में ये शो किया जा रहा है। उसके बाद मैकनेटोश ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये बेस्ड ऑन फ्री BSD लिनक्स, और ये भी स्टेबल और इजी कॉन्फिगर हो रहा था और रन हो रहा था मैक हार्डवेयर्स पे। इसका एक ये था कि ये ओनली रन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मैक हार्डवेयर्स पे। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स डेस्कटॉप, ये उसका एक फिगर है, आप देख लें। देन उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स, फास्ट है, स्टेबल है, रन हो रहा है सर्वर्स पे जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और 32-bit और 64-bit दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा था। उसके बाद जो दूसरा इसका मेजर फीचर है, फाइल एंड प्रिंटिंग शेयर। फर्दर मोर फाइल और प्रिंटिंग शेयर के तीन फीचर्स हैं, यूज़र्स एक्सेस द सेम फाइल, हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स यूज अ प्रिंटर, हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं सिंगल एक प्रिंटर, इसका ये इम्पोर्टेंट फीचर है। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। डेटा इंटीग्रिटी के मेजर जो दो फीचर्स हैं वो है कि डेटा की जो कॉपीज़ या बैकअप्स बनाता जा रहा है, उसके बाद रेड कॉपीज़ डेटा इनटू अदर डिवाइसेस, ठीक है। फिर रेड के जो फुल फॉर्म वो देख लें, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये रिले कर रहा है मोर दो या दो से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स पे, स्पीड एक्सेस टू डेटा, डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत है। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी के बाद डेटा सिक्योरिटी एक्सेस, ठीक है। कुछ डेटा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है इसमें, जो ऑथेंटिक या ऑथोराइज यूज़र हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टू सर्वर रिसोर्सेज कंट्रोल, जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो है सर्वर, और ऑडिट भी इसका हो रहा है, मीन्स डेटा से मीन्स चेक एंड बैलेंस हो रहा है। देन उसके बाद एंटी सर्वर के फीचर्स, सेम कोर एज एंटी वर्क स्टेशन, से इसमें भी सिक्योरिटी ऐड की जा रही है, मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी है इसमें, और ये रेड को भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो विंडोज 2000 सर्वर है उसके जो फीचर्स हैं वो देख लें, जो इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल डेटाबेस ऑफ सर्वर रिसोर्सेज है, सिंप्लीफाइज कर रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट को, पूरे नेटवर्क को। उसके बाद विंडोज 2003 सर्वर, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं, ये डिज़ाइन किया गया है कॉम्पीट विथ यूनिक्स को, और इसका जो इंटरफेस है जस्ट लाइक XP है, बेटर सपोर्ट कर रहा है XP कंप्यूटर्स को, और इसका जो सर्वर है वो स्टैंडर्ड एडिशन है, डेटा सेंटर एडिशन है। उसके बाद यूनिक्स फॉर सर्वर, यूनिक्स फॉर सर्वर्स ओल्डेस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन वाइड स्प्रेड यूज, स्टेबल सिक्योर एंड फास्ट मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंटरनेट एंड वेब, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन यूनिक्स। लिनक्स फॉर सर्वर देख लें, ये छोटे बिजनेस में मोस्ट पॉपुलर है, स्टेबल है, फास्ट है और इनएक्सपेंसिव है जो। देन उसके बाद लिनक्स पॉपुलरिटी इज़ ग्रोइंग, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम अब है, मीन्स डिवाइस में जो बिल्ट इन हो या पहले से ही मौजूद है, जैसे कि सेलफोन्स हैं या PDAs हैं या मेडिकल इक्विपमेंट में जो पहले से इंटरनली मौजूद हों, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेबल और फास्ट है। उसके बाद विंडोज़
एक्सपी एम्बेडेड, उसमें बेस्ड ऑन विंडोज एक्सपी कस्टमाइज्ड फॉर ईच डिवाइस, उसके बाद विंडोज सीई। उसके कुछ फीचर्स हैं, ये नॉट बेस्ड कर रहा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कस्टमाइज है फॉर ईच हर एक डिवाइस के लिए, पीडीएस एंड सेल फोन में है ये। माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमोटिव विल रन इन जस्ट कार्स। उसके बाद पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी फर्स्ट पीडीए ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर कंज्यूमर्स है, और ये मोस्टली जो हमें मिलता है वो सेल फोन्स में ही हमें मिलता है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद है पॉकेट पीसीज, पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर, जस्ट लाइक इंटरनेट सिक्योरली विथ बिजनेस नेटवर्क, और ये कंट्रोल करता है हमारे पर्सनल पीसीज को थ्रू पीसीज। सेमेबियन, ये हमें मिलता है सेल फोन्स में, गेम्स में, इंस्टेंट जो मैसेजेस करते हैं या इंटरनेट या फुल कलर डिस्प्ले, उसको हम सेमेबियन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे चैप्टर 7B का एंड हो गया।